नमस्कार, सिरपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोजपा सियासत और परिवार के दोहरे संकट से गुजर रही है। यूं तो खुद के रहते रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनके निधन के साल भर के अंदर ही पार्टी पर हक की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ भाई हैं तो दूसरी तरफ बेटे। जी हाँ, एक तरफ चिराग पासवान खुद को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा का बता रहे हैं। जी हाँ, तो पार्टी पर हक की जो लड़ाई है वो चल रही है चाचा और भतीजे के बीच। हालांकि बतौर लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इस पर से जल्द ही अब पर्दा उठने वाला है। जल्द ही ये साफ हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार लोजपा किसकी है और लोजपा पर किसका हक है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी का प्रत्याशी देने का ऐलान कर दिया है। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह पता चल जाएगा कि लोजपा पर असली हक किसका है। यह साफ और सर्वविदित है कि बतौर एनडीए का हिस्सा चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। वे बिहार की सरकार में भी अपनी पार्टी की एंट्री की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसमें दिक्कत ये है कि उनके पास बिहार में ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई विधानसभा पार्षद। उम्मीद जताई जा रही है कि वे विधान परिषद के रास्ते बिहार की सरकार में शामिल होने की कोशिश करेंगे। पशुपति कुमार पारस शायद ही बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जदयू के खिलाफ प्रत्याशी देने पर सहमत हो। ऐसे में अगर चिराग पासवान अपने स्तर से अगर प्रत्याशी देने का फैसला लेते हैं तो यह बड़ा सवाल सामने आएगा कि क्या वे किसी नेता को लोजपा का सिंबल देने में सक्षम है। जाहिर है पशुपति कुमार पारस का खेमा इसका विरोध करेगा। चिराग ने इससे पहले अपने चाचा के खेमे को लोजपा का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। अब अगर वे अपने चाचा की मर्जी के बगैर किसी नेता को उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह देते हैं तो दोनों गुटों में टकराव तय है। ऐसे में फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग किसे लोजपा का अध्यक्ष मानता है यह सामने आ जाएगा बहुत जल्द। लोजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात करें तो ऐसे नेता केवल लोकसभा में मौजूद है, राज्यसभा में इस पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में भी लोजपा का कोई नेता नहीं है। लोकसभा में चिराग पासवान ही लोजपा संसदीय बोर्ड के नेता हुआ करते थे। पिछले दिनों इस पद के लिए उनके चाचा पशुपति पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से दावा किया और उनका दावा मंजूर भी कर लिया गया। इसके खिलाफ चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के अलावा उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आपत्ति जताई। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का निबंधन चुनाव आयोग में होता है। अब चुनाव आयोग किसे लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है ये तो वक्त ही बताएगा, चिराग पासवान या फिर चाचा पशुपति कुमार पारस। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।